अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो इस 18 साल की लड़की की है जो कि ये ट्रक चलाती हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि एक खातून बस चला रही थी, मगर उससे ये मुश्किल काम है ट्रक को चलाना, वो भी इतने हैवी ट्रक को चलाना। तो ये क्यों चला रही हैं, इन्होंने किससे चलाना सीखा, या फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इन्हें घर से ये ट्रक चलाने पर मजबूर जिसने किया, तो आइए इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? महविश। मैं भी ये, आप ट्रक चलाती हैं? जी बिल्कुल, मैं ट्रक चलाती हूँ। क्यों चलाती हैं आप ये ट्रक? जी शौक है, और मेरे वालिद साहब पहले चलाते थे बट वो बीमार हुए, उनकी बात मैं अब चलाती हूँ। आपको क्यों शौक है? आपने वो गाना तो नहीं सुना कि सारी जिंदगी दो इन शौक सोनी गड्डी सोने लोग? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, मेरे घर में गुर्बत है, घर में बीमारी, मेरे वालिद साहब बीमार है, मैं वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ट्रक चला रही हूँ। तो जब आपने ये ट्रक चलाना सीखा तो उस वक्त कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किल का नहीं, थोड़ा बहुत परेशानी तो आई थी, लेकिन मैंने एक लड़का रखा हुआ है जैसे ट्रक का टायर पंचर हो जाए वगैरह, वो मेरी हेल्प करता रहता है। जी तो आप कहाँ से कहाँ ये ट्रक चलाती हैं? मैं कश्मीर से नीलम वैली तक, और ज़्यादा उससे बात ज़्यादातर कराची तक कश्मीर तक चलाया मैंने ट्रक। तो ये नीलम वैली है या ये कश्मीर है जहाँ पे हमें बुलाया हुआ? जी नीलम वैली है, कश्मीर। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये बड़े बड़े दरख्त हैं, जंगल हैं, यहाँ से जब आप गुजरती हैं डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं ईजी हूँ, अपने हिफ्ज़ ईमान में हूँ। ट्रक में बैठने से पहले मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, फिर अपने सफ़र की दुआ पढ़ती हूँ, फिर मैं ट्रक चलाती हूँ। ये इन्होंने सबसे अच्छी बात की है कि जब ये गाड़ी में बैठने लगती हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं, उसके बाद ये आयतुल कुर्सी पढ़ती हैं और सफ़र की दुआ पढ़ती हैं, तो इससे ये हिफाजत के असार में आ जाती हैं, तो उसके बाद ये बखैर वफियत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती हैं। तो इनकी वीडियो बड़ी मोटिवेशनल है, इन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए हमें स्पेशल लाहौर से यहाँ पे नीलम वैली में बुलाया है, और जब इन्होंने हमें अपनी पूरी स्टोरी बताई तो हम भी मजबूर हो गए कि हम यहाँ नीलम वैली में इनके पास आएँ, हम इनको दिखाएँ आपको, और इनका ये जो बड़ा सा खूबसूरत सा ट्रक है ये आप लोगों को दिखाएँ। मुझे ये बताएँ कि आपके और भाई नहीं हैं जो ये ट्रक चलाएँ, आप ही क्यों चला रहे हैं? भाई हैं लेकिन छोटे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मैंने उनका फ्यूचर बनाना है, यानी कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएँ, बाकी सब कुछ मैं यानी करूँ। मुझे इतना जज्बा जुनून है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, मेरी ख्वाहिश भी है मैं क्या कुछ करूँ अपनी फैमिली के, इनका मुस्तबिल बन जाए। तो शादी आपने कर ली है? नहीं की? जी बिल्कुल, मैंने शादी नहीं की अभी। क्यों नहीं की? कुछ वैसे शौक भी नहीं था, कुछ वैसे घर की मजबूरी है, परेशानी, इसको दूर करना है। अच्छा, गाड़ी चलाने का शौक है, शादी का नहीं शौक, क्या वजह है? वैसे भी शौक है ट्रक चलाने का, और मजबूरी है जो परेशानी है, ये गुर्बत को घर की ख़त्म करना है। तो माशाल्लाह, आप कितने पैसे कमा लेती हैं महीने के? महीने के लिए मैं रोज़ की दिहाड़ी भी लगे ना 10,000-15,000 लग जाती है, मैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। 10-15,000 रोज़ का जब ये कमाएं, तो इस ट्रक में क्या क्या लेके जाती हैं आप? ईंटें भी होती हैं, सीमेंट की बोरी होती है, लकड़ी भी होती है, सब्ज़ी भी होती है, और क्या नाम है, फ्रूट वगैरह जो जो ऑर्डर देते हैं मैं वैसे ले जाती हूँ। तो ये ऑर्डर कौन देता है आपको, ऑर्डर कैसे मिलता है आपको? ये मेरे मंडियों वाले से ताल्लुकात हैं, सब्ज़ी वालों से, और क्या नाम है, ये सीमेंट जो फैक्ट्री नहीं होती उन लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, वो मुझे ऑर्डर करते हैं, मैं फिर ले जाती हूँ। वो आपको कॉल करते हैं, आप फिर पांवे पहुँच जाते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह मैं चली जाती हूँ, जैसे कॉल आती हूँ। जो लड़कियां नर्म व नाजुक होती हैं वो समझती हैं कि हमें डर लगेगा, हमें खौफ लगेगा, तो ये लड़की उनके लिए मिसाल है, ये उनके लिए मोटिवेशन है, अगर ये कुछ कर सकती है तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल, हर किसी को जज्बा जुनून होना है, कुछ बनना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है जो घर में खवातीन हैं बेरोज़गार, उन्हें चाहिए अपने लिए कुछ ना कुछ करें, जो यानी कि चिंची चला लें, कोई हुनर लें, कोई भी काम है करें, गुर्बत को ख़त्म करें, अपनी परेशानी को किसी के आगे हाथ मत फैलाएं। इनका मिशन है जी गुर्बत को ख़त्म करना है, और इंशाल्लाह गुर्बत ख़त्म होगी। तो लड़कियों को तो बड़ा होता है कि हम खूबसूरत भी दिखें, हमारी जल्द भी ख़राब ना हो, तो इससे तो आपके हाथों पैरों पर मुँह पर भी कालक लग जाती होगी? जी बिल्कुल, सब इसी तरह ही होता है, लेकिन मेरे में शर्म हया नहीं है, बस मैंने कुछ करना है, जज्बा है, जुनून, शौक है, मैंने अपने घर को संभाल। नहीं हया है, शर्म नहीं है, हया हया है, हया है मुझ में, लेकिन मैंने कुछ बन के दिखाना है। तो गाड़ी में बैठ के बड़े सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो अताउल्लाह खानी से खेलवी के गाने सुनते हैं, आप भी उनको पसंद करती हैं या किसी और? मेरी पुरानी सोच ही, मैं आतिफ असलम को लाइक करती हूँ, मैं आतिफ असलम के गाने सुनती हूँ ज़्यादातर। जी वाह वाह, ये इस गाड़ी को ना सिर्फ चलाती हैं बल्कि साथ साथ आतिफ असलम साहब के गाने भी सुनते हैं। तो जाते जाते कुछ हमारी खवातीन को कोई मैसेज दे दें, कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। जी बिल्कुल, मैं दूंगी, जो घर में खवातीन हैं वो बेरोज़गार हैं, उन्हें जी घर में ना बैठे, कुछ भी बाहर निकले, हुनर, सिलाई कढ़ाई, अगर सिलाई करें कोई चिंची रिक्शा चला लें, ऑटो सीख लें, लेकिन घर की गुर्बत को ख़त्म ज़रूर करें। कभी चलान हुआ है आपका? जी कभी नहीं हुआ, अभी तक फिलहाल शुक्र अल्लाह का नहीं हुआ। वैसे गाड़ी के कागजात पूरे हैं? जी गाड़ी के कागजात पूरे हैं। नंबर ओरिजिनल है? जी बिल्कुल, नंबर ओरिजिनल है।
ओरिजिनल है जी। तो ये सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो थी, इसका मकसद इतना सा था कि हम आपको मोटिवेट करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इनको याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।